हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केक रेसिपी ग्रीस पाठक में। आज आप लोगों को सिखाऊंगा मैं एक 1 kg में स्क्वायर शेप केक बनाना। ये देख पा रहे होंगे आप, इसमें मैंने क्रीम डाल दी ऊपर से, तो इसमें कोई गार्निशिंग नहीं, कोई नहीं, सिंपल सा केक है जो एनिवर्सरी के लिए है। तो इसको आप जब भी आइसिंग करते हो तो नाइफ़ को ज़्यादा ज़ोर से ना दबाएं, आपके नहीं तो अंदर के क्रम्स बाहर निकल जाएंगे। और हल्की नाइफ लगाएं इसमें, ये देख सकते हैं। बाकी आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल पे में कर सकते हैं, जो मेरा गूगल पे नंबर है 9988845216। और गूगल पे करने के बाद मेरे से व्हाट्सएप में भी आप बात कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, और लेयरिंग वगैरह आज नहीं दिखाई मैंने, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी वीडियो है। तो क्या आप लोग चॉकलेट गनाश के फ्लावर बनाना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको चॉकलेट गनाश से फ्लावर बना के दिखाऊंगा। और उसकी एक्स्ट्रा क्रीम है जो पति, इसको निकाल लेंगे हम। सामने ये रखी हुई है जो पुडिंग कप में पुडिंग रखी हुई है, चॉकलेट ट्रफल पुडिंग। तो अगर आपने आपको अगर चॉकलेट ट्रफल पुडिंग बनानी नहीं आती तो आप इसके लिए भी कमेंट करेंगे, काफ़ी लोग कमेंट करेंगे, तो मैं जल्दी बना के आप लोगों को पुडिंग दिखाऊंगा। तो किस तरह हम बेकरी में पुडिंग बनाते हैं और कितना मटेरियल लगता है, सारा मेजरमेंट के साथ सिखाऊंगा और कितना सिंपल होता है पुडिंग बनाना। तो एक कॉम ले ली मैंने, जिससे साइड में कॉम मारूंगा। ये तो इसमें फटाफट से कॉम मार लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस, यहाँ पे मैंने केक को कर लिया है आइसिंग। अब इसमें हमने बॉर्डर देना है रेड क्रीम का, तो मैं रेड क्रीम इसमें बना लूँगा। अभी ये क्रीम ले ली मैंने, ये क्रीम ले ली। और अब कलर कौन सा लेता हूँ ये भी दिखाऊंगा आपको। ये है जो सन कंपनी का कलर है, टमाटो रेड कलर। तो अब इसको डालेंगे हम, कितना डाल रहे हैं देख सकते हैं आप, इतना सारा कलर डाल रखा है। तो 5-6-7 बूंद डाल दी, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्रीम जो ज़्यादा ढीली वगैरह कुछ नहीं होगी। तो अभी थोड़ा कम रेड आया, और भी डालेंगे। देखिए, इसी वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक तरफी और भी स्टाइल बताऊंगा, जिससे आपका इससे भी अच्छा रेड कलर आएगा।
ये गाइज कुछ इस तरह का कलर आया, तो इससे भी डार्क कलर अगर आपको बनाना है तो मैं भी वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हमने एक स्टार नोजल से भर लिया इसको। ये भर लिया स्टार नोजल में और अब आगे बनाते हैं हम किस तरह इसमें। तो सॉरी गाइस, जब मैं इसको ड्रॉप लगा रहा था वीडियो शायद से बंद हो गई थी, तो ये ड्रॉप इस तरीके से लगाए मैंने स्टार नोजल से। अब बताऊंगा मैं आप लोगों को इसके ऊपर हार्ट कैसे बनाएंगे। गाइस मैंने यहाँ तक एक कर लिया है, अगर मेरी वीडियो रिकॉर्ड हुई होगी तो मैं वही पार्ट दिखाऊंगा, नहीं तो मेरे ख्याल से बॉर्डर लगाते टाइम मेमोरी फुल हो जाने से वीडियो रुक गई थी, वीडियो ने चेक किया था। और अब हम इसके ऊपर रेड जेली से थोड़े हार्ड बनाएंगे, बाकी इस साइड को नाम आ जाता है तो इस साइड को हार्ड बनाते हैं। थोड़े से आपको सरल एक तरीका बताता हूँ हार्ड बनाने का भी, तो आप बने रहें इसमें। तो चलिए हम पहले रेड जेली स्ट्रॉबेरी जेली ले लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो भाई जब बना लेते हैं हम, देखिए एक हमने बड़ा हार्ट बना दिया, बाकी हम इसमें छोटे हार्ट बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए बस कुछ इस तरह का बनाया हमने। तो बाकी इस साइड को हमारा जो एनिवर्सरी वाला नाम है नाम आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताना। तो अभी आपको मैं रेड कलर, बिल्कुल प्योर रेड कलर कैसे आता है वो दिखाऊंगा। तो उसके लिए हमें ये क्रीम जो यूज़ करने वाले हैं, तो इतनी सी क्रीम लेके इसमें खूब सारा रेड कलर डाल दीजिए आप। ये देखिए जितना मैंने सारी क्रीम में डाला होगा कलर उतना कलर इसमें डाल दिया, लेकिन हमें क्रीम ज़्यादा चाहिए उतना ज़्यादा कलर भी यूज़ नहीं कर सकते हम। तो अब हम क्या करेंगे, और अपनी इस तरह पाइपिंग बैग ले लेंगे। पाइपिंग बैग लेने के बाद इसको खोल के इसमें अच्छे से चारों तरफ से इसको लगा लेंगे। फिर उसको एक बार इस तरह यहाँ पे नहीं लगा है तो लग जाएगा सब जगह। तो ये कर लिया हमने। और अब इसमें हम अब जितनी आती है रेड क्रीम और वाइट क्रीम आपकी आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि ये नोजल ले लिया मैंने, तो इससे ये देखिए
तो यहाँ पे अभी नोजल दूसरा ले रखा है, थोड़ा सा कम लगा हुआ है इसलिए देखिए बिल्कुल रेड कलर आ जाता है इस तरीके से रेड कलर आ जाता है आपका। और ऊपर और पाइपिंग में अच्छे से लगना चाहिए, जो कि अभी हमारा नहीं लगा था अच्छे से, थोड़ा जल्दी में किया। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।